मैं आप लोग से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार को क्यों नहीं पॉपुलैरिटी मिलते है यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एनी हाउ आई मैनेज्ड टू कम हियर, तो इधर दिस इज लुकिंग सो गुड। लिटरली आई एम वेरी कंफ्यूज कि मेरे को उधर कैसे जाना है। के राइड के लिए अपना प्रिपरेशन वो हो चुका है, इधर हेलमेट वगैरह सब कुछ मैंने स्टफ को प्रिपेयर कर लिया। राइड से पहले की रात जो होती है वो एकदम बेचैनी भरी रात होती है एंड सुबह जल्दी से नींद खुल जाए उसके लिए मन में एकदम हड़बड़ी सी लगी रहती है। ऑल्दो वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कल है अपना नेक्स्ट राइड एंड नेक्स्ट राइड कहां पे ले जा रहा हूं टाइटल और थंबनेल बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है ना कोई भी बजा देता है, ऑल्दो इसको छोड़ता हूँ मैं एंड आपको बताता हूँ कल का जो राइड होने वाला है। राइड कुछ ऐसा होगा कि कहाँ मैं जाऊँगा क्या करूँगा वो तो आपको टाइटल एंड थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा। तो हर राइड की तरह इस राइड को भी सपोर्ट देना एंड अभी रात के बेसिकली बज रहे हैं 10:30 एंड अपना प्रिपरेशन में कर रहा था, सोचा तो यहीं से व्लॉग शुरू कर लूँ। मिलता हूँ कल आपको अब राइड पे। सुबह के बज गए 6:30 एंड एज यूजुअल मैं 15 मिनट्स लेट हुआ एंड बेसिकली मैं हूँ प्रॉपरली तैयार एंड सारा जो स्टफ है मेरा रेडी हो चुका है निकलने के लिए। तो एज पर नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर टू लिव। अभी मैं निकल रहा हूँ घर से एंड अब मिलता हूँ आपको एक्शन कैमरा के थ्रू एंड रास्ते में मिलता हूँ। इतने देर से सोच रहा था कि मेरा एक्शन कैमरा ऑन है, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली कैमरा को मैंने ऑन ही नहीं करा था एंड रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग किए जा रहा था। अभी मैं जा रहा हूँ अनु भाई के घर पे, उनको पिक करूँगा, वो शायद अपनी बाइक ले लें अपने जो सूरज देवता है विटामिन भरपूर मात्रा में वापस से देते हुए मेरे को। हम लोग निकल गए हैं डुमराव के राइड के लिए। डुमराव जाऊँगा, देखूँगा कहाँ कहाँ घूमने लायक जगह है, अब लोग को घुमाऊँगा एंड आई होप आपको जो वीडियो है वो बहुत पसंद आएगी। इंटरस्टेट राइड के लिए अगर आप मेरे को सजेस्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके यस या नो में जवाब देना कि शुड आई डू इंटरस्टेट राइड और नॉट। अनुप भाई के घर के पास का रास्ता देखो यार, इतना टूटा फटा रास्ता है। अनुप भाई का वेट भी कम नहीं है, इस रास्ते में घूमेंगे वो तो यही सब तो होने वाला है। मेरे को अपनी बाइक की सर्विसिंग भी करानी है क्योंकि अपनी बाइक की जो सर्विस है वो ड्यू हो गई है। ओहो अरे भाई यार हॉर्न वॉर्न मार देता यार, जान लेगा क्या, घोड़े की सवारी करनी है किसी को। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, अनु भाई के घर के लिए कौन सा रास्ता जाता है, शायद ये या फिर शायद आगे। आई एम गेटिंग कंफ्यूज। भाई अपने मिल गए आखिर, उनका घर भी मिल गया काफ़ी देर भटकने के बाद। नाउ वी आर गोइंग टू डुमराव। ब्यूटीफुल रोड एंड दिस इज क्वाइट रिस्की। ट्रक इतने पास से जा रही है अपने और तो भाई साहब का जो है अभी हेलमेट वाले भाई साहब का ट्रक के चक्के के नीचे पैर आने से बचा है। तो कभी भी ट्रक क्रॉस कर रही है आपके बगल से तो थोड़ा सा सावधान रहना, नहीं तो फिर पैर जो है एकदम फट सकता है। जमीन के नीचे रास्ता है सीधे 3 किलोमीटर और आएगा तो अपन लोग होंगे डुमराव के अंदर। वाटर लॉगिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है अभी डुमराव में फिलहाल। तो अपना जो पूरा चक्का है डूबा हुआ है, राजा हुआ करते थे अपने डुमराव में तो उनके समय का कुछ बनाया, इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन किया वो सारा मेरे हिसाब से उस हिसाब में अगर किया हुआ तो हैंडमेड होगा एंड बारीकी जो है बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल तो आगे जाना है, कोई मंदिर है, पहले मंदिर की तरफ चलता हूँ। अभी बेसिकली मैं आया हूँ जंगली बाबा का मंदिर है जो कि है डुमराव में। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन अपना इधर ही है जंगली बाबा का मंदिर का। पीछे एक तालाब है जिसमें अभी पानी भरा हुआ है, आपको शायद दिख भी रहा होगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है तालाब देखने में। एंड पीछे अपने जंगली बाबा का मंदिर है, कोशिश करता हूँ कि पास से जाओ एंड पास से आप लोगों को दिखाओ। तो कुछ इस तरीके का दिखता है जंगली बाबा का मंदिर एंड इसका जो इतिहास है ये है कि यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था एंड जो शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर वो ऑटोमेटिक मतलब खुद से ही प्रेजेंट हो गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है मेरे को। मेरे को यहाँ पे जो गाइड कर रहा है अपने पीछे जो हर्ष खड़ा है, इसका नाम है हर्ष एंड इधर है आकाश है एंड इधर अपने शिवम भाई। तो हम लोग ये 3 लोग आए हैं मेरे को गाइड करने के लिए एंड थ्रू आउट जो जर्नी है डुमराव का ये लोग गाइड करेंगे। और अभी जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं एक मैरिज हॉल जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शादी ब्याह करवाने के लिए मैरिज हॉल, तो उनके लिए ये फॉर्म हुआ है तो काफी अच्छी चीज है। डुमराव महाराज के द्वारा इसको बनवाया गया है, फिर इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ जाके आपको दिखाने का। मेरे पीछे भी आपको शायद पूरा मैरिज हॉल भी दिख रहा होगा। ये जो मैरिज हॉल है वो मैंने जैसे ही बताया कि अभी मैं जंगली बाबा के मंदिर में हूँ तो यहीं पे ये वाला मैरिज हॉल प्रेजेंट है। सामने एक मेरे को मॉन्यूमेंट दिख रहा है जो कि काफी जबरदस्त दिख रहा है देखने में
शायद से वो किसी का घर है या फिर शायद से वो मस्जिद है, वो जाके पास से ही समझ में आएगा। मेरा गेस जो था वो गलत निकला, क्योंकि ये बेसिकली है मंदिर। तो सामने से ये जो गेट दिख रहा है अपने लोग को, बहुत खूबसूरत गेट है। अभी आप मेरे पीछे जो आलिशान सा दरवाजा देख रहे हैं, राजगढ़ जो कि है राजा का किला, इसके अंदर है। एंड मेरे पीछे जो मंदिर दिखा आपको अभी, इसको मैंने अभी मोटर व्लॉग के थ्रू दिखाया। दरवाजा दिख रहा है, दैट इज सो ह्यूज इन साइज, मैसिवली बहुत बड़ा दरवाजा है, राज दरबार जैसा होता है। रियल लाइफ में कैसा होता होगा, तो सेम टू सेम वैसे ही होता होगा जैसे अभी पीछे दिख रहा है, कुछ ऐसा है सामने से देखने में। तो फिलहाल क्या करता हूँ कि जाता हूँ अंदर एंड अंदर से आप लोगों को घुमाता हूँ। राजा महाराजा के सभी का गेट है, तो दिस इज लुकिंग सो ह्यूज, मैसिवली ह्यूज फ्रॉम इनसाइड, दिस इज लाइक दिस। अगर आपने हाफ गर्लफ्रेंड वाली मूवी देखी होगी तो आपको डुबराव महाराज का जो भी इतिहास है उससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। ये वाला जो गेट है, इसके अंदर एक स्कूल है जिसका उद्घाटन उस मूवी में बिल गेट्स ने किया था। इधर ऑडिटोरियम टाइप का बनाया हुआ, तो इसमें ही सारा फंक्शन होता है। जो साहब ने अभी स्कूल के बारे में बात कर रहा था, तो ये सामने वाला स्कूल जो है ये वही वाला स्कूल जो है अभी बिहारी जी का मंदिर है। बेसिकली अभी जो मंदिर है वो क्लोज्ड है, 10 बजे के आसपास खुलेगा, तो मैं हो सके तो आपको इधर ला के घुमा दूँ। तो दिस इज़ लुकिंग क्वाइट फैंटास्टिक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे तक खुलता है तो मैं इधर आता हूँ एंड आप लोग को इधर घुमाता हूँ। एनी हाउ आई मैनेज टू कम हियर, तो इधर आके मैं आपको दिखाता हूँ सामने जो महाराज का मूर्ति है एंड इधर का जो भी आर्किटेक्ट किया हुआ है, जो भी स्टाइल से बनाया हुआ है, दैट इज लुकिंग सो फैंटास्टिक, एकदम व्हाइट मार्बल से। एंड इधर शायद फाउंटेन वगैरह चलता था, लॉकडाउन की वजह से ये जो है पूरा जगह जो है पूरा क्लोज्ड है। एंड इधर का जो ग्रीनरी है, दैट इज सो फैंटास्टिक। पीछे इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, इतने खूबसूरत फूल वगैरह निकले हुए हैं कि इधर से जाने का मन नहीं कर रहा, बट वी हैव टू गो। एंड एक और बहुत ज़बरदस्त फूल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना ज़बरदस्त फूल है। तो ऐसा ही बहुत खूबसूरत फूल है इधर। मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं तो हनुमान जी का जो मंदिर है ये आपरूपी मंदिर है। आपरूपी का मतलब ये हुआ कि खुद से प्रकट हुए। जब इधर खुदाई चल रही थी जमीन के अंदर, तो ये जो मंदिर है एंड मंदिर में जो भगवान है अपने, वो खुद ब खुद प्रकट हुए थे। इसको छटिया पोखरा के नाम से भी जानते हैं। तो अभी फिलहाल इसके अंदर ले चलता हूं। इस जगह के बारे में बताओ तो अभी यहाँ के एक लोकल ने मेरे को ये बताया कि इस जगह पे जो अपने महाराज थे डुबराव महाराज, वो इधर आके फिशिंग वगैरह प्रैक्टिस किया करते थे। एंड अभी जो इधर से दिख रहा है काफ़ी साफ सुथरा जगह है, कुछ इस तरीके का लुक देता है जो कि छटिया पोखरा है। इधर भी काफ़ी अच्छा लगा आके। सामने एक और बहुत पुराना मंदिर है एंड जितना भी आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये है पूरा छटिया पोखरा का पोर्शन है। लंबा चौड़ा ये पोखरा है, यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। सामने वाला मंदिर देखो आप, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ियों के बीच में खोया हुआ एक मंदिर है जो कि बहुत ही आलीशान लग रहा है देखने से। इधर से गेट है एंड इधर कोई सीढ़ी वगैरह नहीं दिख रहा है मेरे को, तो इस हिसाब से काफी आलीशान मंदिर। इधर पूरा ग्रीनरी, इधर पूरा पेड़ पौधा है एंड अंदर में जाके मंदिर है। एंड इधर कुछ बच्चे आगे मेरे को देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ हा? क्या हुआ, क्या नाम है तुम्हारा? इस मंदिर को हम लोग ने अभी बाय बाय कह दिया है। ये वाला जो पोखरा है जिसको छटिया पोखरा भी बोलते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। अब देखना है कि हर्ष हम लोग को किधर लेके चलता है। अभी तो फिलहाल हूँ डुमराओं के अंदर घूम रहा हूँ एंड अपने लोग को भूख भी लगी है काफ़ी, तो मे भी बहुत जल्द मैं स्टॉप लूँ एक खाने के लिए। एंड इधर कोई डुमराओं का एक पुल दिख रहा है, यानी कि ओवरब्रिज दिख रहा है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। पेंट स्कीम वगैरह भी बहुत सुंदर है एंड ये पतंग लेके भाग रहा है। मिलिट्री पुलिस का ट्रेनिंग वगैरह चलता है पूरे बिहार के। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बीआर अंबेडकर की मूर्ति है एंड उसके पीछे है वॉच टावर, जो कि बहुत फैंटास्टिक लग रहा है देखने में। इधर जय हिंद वगैरह भी लिखा है, सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। तो शायद अभी आपको आवाज़ आ रही हो, यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे आरती का फंक्शन अभी चल रहा है। तो वी आर सो लकी दैट वी आर सीइंग दी। डुमराओं के नगर देवी यानी कि बड़ी काली माँ के मंदिर पे मैं था। आपको अभी इधर का फुटेज मैंने दिखाया, लंबा चौड़ा मंदिर है। इधर शादी का भी स्थल बना है जिधर शादी वगैरह भी होता है। ऑल द वे इधर से मैं निकलता हूँ एंड अब खाने की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं वुडन का कुछ बना हुआ, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिन्हौरा, जो कि शादी में चढ़ता है। तो मैं आपको बता दूँ डुमराओं का जो ये जो गली है, ये जो मोहल्ला है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो भी सिन्हौरा जो कि शादी में चढ़ता है वो इसी मोहल्ले से बन के निकलता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो वो भी काफ़ी एपिक चीज़ है जो कि अपने डुमराव शहर में हम लोग को जानने को मिला। बिहार का जो स्पेशल डिश है लिट्टी, वो अभी बनाया जा रहा है, तो उसको अभी हम लोग खाएंगे एंड खाने के बाद जो अपना जर्नी है, जो सफ़र है, उसको कंटिन्यू करूँगा। हाँ भैया,
तो अभी बेसिकली आया हूँ पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल भी लेना ज़रूरी है। एंड काफ़ी देर से मैं घूम रहा था पेट्रोल बिना लिए बाइक में, तो बाइक में पेट्रोल पहले ले लेता हूँ। एंड थोड़ा सा रास्ता जो है वो है ऑफ रोडिंग से भरा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो ज़रूर है रास्तों में। अमरेचनी माता का मंदिर जो कि है डुमराव में, अभी क्या करता हूँ कि DSLR को स्विच करता हूँ एंड आपको मंदिर घुमाता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है डुमरेचनी माता का मंदिर, मैं आपको घुमा रहा हूँ। सामने में एक छोटा सा तालाब यानी कि पॉन्ड टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गंदा है, काफ़ी डर्टी है। ऑल नाउ जो भी लोकेशन है कुछ ऐसे ही, इधर मंदिर का जो पेंट स्कीम है बेटर है। इधर अभी काम वगैरह लगा हुआ है मंदिर में, तो सामने का जो गेट है वो अभी बंद होगा। डुमरेचनी माता के बगल में ही हनुमान मंदिर है, तो दोनों मंदिर एक ही साथ है सामने में। अभी तक का जितना भी सफ़र मैं कर रहा हूँ सब एक से एक लोकेशन मेरे को देखने को मिला है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। एंड इसके बारे में मैंने एक और बात सुना है कि सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। एंड इसके बाद एक दो जगह और बचा है अपने डुमराव भ्रमण का, तो उस जगह भी ले चलता हूँ एंड आप लोग को घुमाता हूँ। अभी जिस रास्ते में हूँ उस रास्ते के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये, और जो डुमराव महाराज थे ये अपने लिए सिर्फ बिल्ड करवाए थे ये रास्ता, जो कि यहाँ से निकल के सीधा उनके घर की तरफ कनेक्ट करता है। एंड हर्ष ने मेरे को ये बताया कि ये जो रास्ता है पहले उनका खुद का हुआ करता था, और फिलहाल ये रास्ता जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। सामने दरवाज़ा दिख रहा है, ये है भोजपुर कोठी यानी कि राजा का जो घर है, इसी रास्ते के थ्रू सीधा जाता है। तो अभी एंट्रेंस तो है नहीं इधर, आपको बाहर से ही दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर हम लोग को जाना रहेगा अगर राजा के घर जाना है तो। इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड अपन लोग इधर से निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग हैं स्टार्टर राइडर। तो बहुत जाम है यार रोड पे। ओ भाई साहब मैं आप लोग से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार को क्यों नहीं पॉपुलैरिटी मिलती, या फिर बिहार जो है वो अटेंशन क्यों नहीं गेन कर पाता। तो अभी पीछे शायद आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर कॉलेज जो डुमराव में, तो यहाँ पे मैं आया था, तो यहाँ के गार्ड को पहली बात को इधर का नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ यूट्यूब एंड व्हाट इज़ ब्लॉगिंग वगैरह, तो इसको मैं हटाता हूँ। दूसरी बात यह है कि ऑफिसर रैंक का इंसान था, उससे भी मैंने बात की तो उसको भी नहीं पता था। फिर एक कॉलेज का स्टाफ था उससे बात किया गया, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप लोग नहीं बना सकते। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते हैं बस नहीं बना सकते। तो एक रीज़न मेरे को नहीं मिला। अगर हम लोग बिहार को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा भाई साहब? अगर आप सबको मना करते रहोगे तो फिर बिहार तो अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगा एंड ऐसी बिहार को गाली पड़ती है, गाली पड़ती रह जाएगी। तो इतिहास से भी अगर कोई भी देख रहा है वीडियो को, तो इस चीज़ को बस ध्यान में रखना भाई साहब कि बिहार जो है अपना बहुत ही सुंदर जगह है। थोड़ी इलिट्रेसी ज़्यादा है बिहार में, इस चीज़ को मैं एज अ बिहारी मेंशन कर रहा हूँ कि इलिट्रेसी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी है होना। एंड पीछे का भी क्या सीन हो रहा है अभी आपको शायद दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मेस क्रिएट हो गया, तो इसलिए मैं ये वाला जो पार्ट है उसको शूट करके आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि पीछे अभी कॉलेज है, इसके अंदर मैं जाके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मूड जो है अपना पूरा ऑफ हो चुका है। रीज़न यही था कि मतलब कुछ लोग आके इधर मेस क्रिएट कर दे के रही, आपको रिटर्न में परमिशन चाहिए। यार रिटर्न में कौन परमिशन लेता है कॉलेज के अंदर जाने के लिए? कुछ ऐसा रास्ता है हम लोग के पास नवगढ़ का किला जाने के लिए, एंड 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 सिचुएशन इधर काफ़ी ख़राब है रोड की, क्योंकि रोड ही नहीं है इधर। हाउ वी विल मैनेज एंड वी विल गो देयर, तो लेट्स फाइंड आउट कैसे निकलता वो। एंड रोड जो है वर्स्ट बनते जा रहा है, लाइक अ नाइटमेयर। हाँ इधर से, लेट्स गो देयर। एंड अपना जूता पूरा गंदा हो गया क्योंकि पानी के अंदर अपना पैर चला गया था। और लोग यही रास्ता है आगे जाने के लिए, कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाऊँ आगे अच्छे से। एंड अनूप भाई अपने लीड कर रहे हैं हम लोग को वापस से। एंड बहुत ख़राब रास्ता है भाई साहब, बहुत ख़राब रास्ता है, एंड इसी रास्ते से आगे जाना है हम लोग को। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इधर ट्रेकिंग का भी मज़ा आ रहा है, सारा चीज़ का मज़ा आ रहा है, एडवेंचर ट्रेकिंग, रोड्स, रिच हेरिटेज, सारा कुछ हम लोग को देखने को मिला। ज़बरदस्त था अभी तक का सफ़र, तो ज़बरदस्त सा पेड़ हम लोग को देखने को मिला है जो कि काफ़ी डरावना भी लुक दे रहा है। और हम लोग को थोड़ा सा और आगे ट्रेकिंग करते हुए जाना है अपने मंजिल की तरफ। अनुप भाई अपने गिर गए, जैसे मैं पिछली बार पहाड़ पे गिरा था, एंड ऐसे हम लोग को सीधा वापस से चढ़ाई करते हुए ऊपर जाना है। यही है नवरत्न किला, जहाँ से ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में जब राजा महाराजा का युग हुआ करता था उस वक्त यहाँ से दिल्ली का जो लाल किला है उसको देखा जाता था। मेरे हिसाब से इधर तो 10 किलोमीटर भी नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। पहले क्या सिचुएशन था आई डोंट नो, क्योंकि मैं उस समय था नहीं, बट अभी हो तो अभी
एक दो किलोमीटर के आसपास का नजारा जरूर दिख रहा है मेरे को, उससे ज्यादा का नहीं दिख रहा है। जो पत्थर के स्ट्रक्चर है इसमें वीडियो में आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पतले पतले बहुत महीन महीन ये जो ईंटे हैं उनका स्ट्रक्चर है, तो ये बताता है कि बहुत पुराने जमाने का स्टेचू बनाया हुआ है। एंड सक्सेसफुली मेरा जो अटेम्प्ट था वो डन हो गया, मैं आ गया हूँ नीचे, एंड इसके जस्ट नीचे जाना है एंड नीचे जाके मिलता हूँ आपसे। थोड़ा ये ज़्यादा एडवेंचर हो गया रास्ता, क्योंकि बहुत फिसलन भरा रास्ता है, थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, बट एनी हाउ आई विल मैनेज एंड मैं नीचे जाऊँगा इधर से। थोड़ा सा रास्ता रिस्की है बट हम लोग आ गए हैं नीचे सेफ एंड साउंड, आराम से पहुँच गए नीचे हम लोग। यहाँ से अपने दो भाई लोग उतर रहे हैं, उधर से ये मैं भी उतर के आया हूँ। मेरे जूते का सिचुएशन इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ मड था, मैं अंदर तो घुस गया बट उधर से निकलने का कोई जगह नहीं था। अभी भी वैसे ही कुछ सीन है मेरे साथ, इधर पैर गया मेरा एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, लिटरली आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मेरे को उधर कैसे जाना है। सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है लकड़ी रखा हुआ है तो पानी के अंदर डूबा हुआ है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रॉस दिस बैरियर एंड मेरे को उधर जाना है एंड उसके बाद ऊपर जाना है। कोशिश करता हूँ कि मैं एनी हाउस को मैनेज कर पाऊँ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया अपने पैर का, उसके अंदर पैर डालने के बाद नवरत्न किला जो है अपना बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस हो गया। एडिस के साथ करता हूँ डुमराह वाले इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। होप आपको जो वीडियो था पसंद आया होगा, तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेशियस कमेंट देना ना भूले एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। मिलता हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ।